सो व्हाट्सअप माई यूट्यूब फैमिली, दिस इज योर फ्रेंड मोहित बैक विद अनदर सुपर डुपर व्लॉग। सो यार आज के व्लॉग में आपके लिए एक ऐसी गाड़ी लेके आऊँ यार, मतलब अगर मैं इस कार की बात करूँ, रोड पे अगर आप चलते देखते ना, आई थिंक कोई ऐसा हमारा भाई नहीं है, कोई चाहे फीमेल हो या मेल अपना कोई भाई हो, जो इस गाड़ी को पलट के ना देखे। गाड़ी भी एक ऐसी यूनिक गाड़ी है जो आपको रोड पे देखने को तो मिलती है बहुत, लेकिन इसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत तगड़ी है अगर हम इसकी बात करते हैं कन्वर्टेबल्स में। सो यार आज के व्लॉग में जो मैं आपको गाड़ी दिखाने वाला हूँ वो है आपकी ऑडी A3 कन्वर्टेबल। नॉर्मल ऑडी आपने बहुत देखे होंगे रोड पे चलते हुए, लेकिन A3 कन्वर्टेबल भी बहुत है रोडों पे, लेकिन इसकी फैन फॉलोइंग एक अलग है। क्यों? क्योंकि अगर कन्वर्टेबल आप लेने जाते हैं, सबसे चीपेस्ट कन्वर्टेबल में से एक है ये गाड़ी, आपको बता दूँ। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल आप Z4 देखते हैं, आप देखते हैं SLK देखते हैं, या और आप कोई सेगमेंट किसकी गाड़ी देखते हैं कन्वर्टेबल की, तो सारी आपकी 70-80 लाख से अबव की ही गाड़ियाँ होती है। ये एक ऐसी गाड़ी है अगर आप न्यू भी लेते हो शोरूम से तो आपको एक कॉस्ट करती है ऑन रोड दिल्ली पे अराउंड 50 लाख के करीब, लेकिन बाकी आप जाके चेक कर सकते हैं। मेरा जो था मैंने देखा, मैंने आपको बता दिया, लेकिन 50 लाख जो है अराउंड दिल्ली में कॉस्ट करती है। अब गैस मैं बात करना चाहूँगा, ये गाड़ी जो है ब्रांड न्यू कंडीशन में गाड़ी है। इस गाड़ी पे मैं आपको टोटल रिव्यू देने वाला हूँ, गाड़ी की पूरे आपको इंटीरियर दिखाऊंगा, एक्सटीरियर दिखाऊंगा, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं सारा दिखाऊंगा। और जाके मुझे कहता है आप इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाता है ऐसी लग्जूरियस कार के, सुपर कार के, कन्वर्टिबल्स के, सुपर बाइक्स के। तो जाके मुझे फॉलो करना, साइड में आप देखना मेरा पेज आ रहा है, यहाँ पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो और एक से बढ़ के एक बढ़िया गाड़ियों के यहाँ पे आपको अपडेट देखने को मिलता है, जैसे आप देख ही रहे होंगे। सो जाके जरूर फॉलो करना, और कोई भी डिटेल चाहिए गाइस गाड़ी के रिगार्डिंग, डिस्क्रिप्शन में आपको भैया का नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर लेना। फाइनेंस करना चाहोगे फाइनेंस भी इजीली हो जाएगी, और ऑल इंडिया फाइनेंस अवेलेबल है। तो चलिए गाइस चलते हैं, शुरू करते हैं आज की इस ब्लॉग को। सो गाइस ये देखिए, ये आपकी आगे ऑडी A3 कन्वर्टेबल। एक बात बोलूँगा गाइस, कभी रोड पर लेके निकलो, मतलब ना कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो उस गाड़ी को पलट के ना। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये फेमस है अपनी कन्वर्टेबल्स के लिए, और आपको पता है ऐसी गाड़ियाँ रोडों पर बहुत कम देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम आते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल पर। तो गाइस जो आप इसकी फ्रंट प्रोफाइल देख रहे हो, इसमें आपको मिलते हैं प्रोजेक्टर लेंस विद LED लाइट्स। अब मैं इसके नीचे आता हूँ गाइस, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं हेडलाइट वॉशर मिलते हैं, एंड यहाँ पे आपके आगे पार्किंग सेंसर, एंड यहाँ पे आपके आते हैं गाइस इसमें फॉग लैंप्स जो कि इसमें आपको मिलते हैं। अब हम फ्रंट की प्रोफाइल की बात करें, तो गाइस ये देखिए यहाँ पे आपके आगे ऑडी के 4 छल्ले, नंबर आपके सामने डिस्प्लेड, अगर कोई लेने में इंटरेस्टेड है इस गाड़ी की पूरी डिटेल्स निकलवा सकता है। सो ये गाइस इसकी फिलहाल मैंने आपको दिखाई फ्रंट प्रोफाइल, एकदम नीट एंड क्लीन थी। अब एक बार आपको इसका मैं इंजन का हुड ओपन कर देता हूँ, आइए। सो गाइस ये देखिए इसका इंजन एकदम ब्रांड न्यू इसका इंजन है, TFSI है, जैसे कि पेट्रोल वेरिएंट में है ये गाड़ी आपकी। आपको पता है ज़्यादा तो सुपर का पेट्रोल वेरिएंट में ही आती है सारी। और ये देखिए ये इसकी आपकी बैटरी हो गई यहाँ पे, एंड देखिए इंजन एकदम नीट एंड क्लीन इसमें आपको इंजन देखने को मिलेगा। सो इंजन मैंने आपको दिखा दिया, अब इसको करूँगा मैं क्लोज। तो गाइस अब हम आते हैं इसकी साइड टू फाइल पे। सो जिस जो इसमें आप ये अलॉयज देख रहे हो, ये आपके आते हैं 16 इंचेस के अलॉयज है जो इसमें आपको देखने को मिलते हैं। साइड टू फाइल इसकी देखो, बेसिकली 2-डोर कार है, 4 सीट इसमें आपको मिलेंगे, बेसिकली यानी आपकी 2-डोर कार है। एंड यहाँ पे मैं आऊँ तो ये जो आप देख रहे हो इसके मिरर्स है, ये आपके बेसिकली टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं, यानी ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाते हैं मिरर के। अब आपको इधर साइड टू फाइल दिखाऊँ, तो यहाँ पे आपका आता है बेसिकली इसका पेट्रोल का टैंक आता है, यहाँ से इसको ओपन करके अपना पेट्रोल फिल करा सकते हैं। साइड टू फाइल मैंने आपको दिखाई एकदम नीट एंड क्लीन थी गाइस। एंड ये देखिए इसमें जो स्कर्टिंग्स भी यहाँ पे दे रखे हैं, स्कर्टिंग्स भी काफ़ी अच्छी लग रही है जो कि इसमें दे रखी है, एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये कंपनी से ही आती है। सो अब आपको लेके आऊँगा बैक पे, अब मैं बैक पे दिखाऊँ जो कि बेसिकली इसकी जो लाइट्स, हम लाइट्स का पैटर्न देख रहे हैं पूरा आपका LED पैटर्न इसमें आपको मिलता है। इधर ये आपके आगे ब्रेक लाइट आ गई, इधर आपके आगे ऑडी के 4 छल्ले, नंबर आपके सामने डिस्प्लेड है A340 TFSI। बेसिकली TFSI यूज़ होता है पेट्रोल में, क्यों? क्योंकि पेट्रोल वेरिएंट गाड़ी होती है, अगर ये डीजल होती तो इसमें यूज़ होता है TDI। अब मैं कह उसके नीचे लेके आऊँ आपको, तो ये देखिए यहाँ पे आपके आते हैं इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं, और पार्किंग सेंसर क्या मैं नीचे दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको मिलता है ड्यूल टिप एग्जॉस्ट, ये देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा ड्यूल टिप एग्जॉस्ट। सो गाइस फिलहाल अब मैंने आपको इसकी फ्रंट की प्रोफाइल दिखा दी। अब जो ये गाड़ी बेसिकली फेमस है वो क्यों है? अपने कन्वर्टेबल के लिए, कन्वर्टेबल के लिए गाइस आपको पता है ज़्यादा फेमस है। चलिए एक बार अब मैं आपको लेके चलता हूँ कार के अंदर और दिखाता हूँ अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, आइए। देखिए इसकी पूरी फ्रंट प्रोफाइल है जो कि आपको इसमें मिलती है। इधर आपका आता है ऑडी का स्टेयरिंग आता है जिसमें आपका ऑडी का लोगो आता है, यहाँ पे आपके वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, फ़ोन कट करने के लिए सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलते हैं। अगर मैं इसमें बात करूँ, मुझे लगा था इसमें पेडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं, लेकिन कंपनी ने इसमें पेडल शिफ्टर्स नहीं दे रखे। फ्रंट की गैस बात करूँ तो फ्रंट प्रोफाइल देखिए इसकी ऐसी, इसमें आपको देखने को मिलता है टैकोमीटर आता है, एंड अगर मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाऊँ, सो गाइस ये देखिए इसकी फ्रंट प्रोफाइल है। एट अ टाइम लाइक जैसे बता दूँ, इसमें ये देखिए आपके सारे इसमें आपके फंक्शन जो कि बेस में आते हैं, लाइक इसमें दिखाएगा प्लीज़ रिफ्यूल 5 किलोमीटर, लाइक जैसे इसमें
पेट्रोल कम है तो इसमें आपको दिखा भी देता है कि कितना इसमें कितने किलोमीटर तक आगे क्लॉक कर सकती है गाड़ी। सो गाइस अब ये दिखा दिया, अब इधर आऊंगा आपको लेके। सो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बेसिकली ये इसकी स्क्रीन जो है फोल्ड हो जाती है, लाइक मैंने इसको क्लिक किया तो ये स्क्रीन इसकी ऑटोमेटिकली निकल आती है एंड वेन नॉट इन यूज आपने इस बटन को प्रेस करना है एंड ये आपकी फोल्ड हो जाती है। अब नीचे मैं गाइस बात करूँ, सो ये जो आप देख रहे हैं इसमें आपके एसी वेंट्स मिलता है जो कि बेसिकली टर्बाइन लुक में दे रखे हैं इसमें एंड काफी अच्छे भी लग रहे हैं। फुल एसी वेंट मिलते हैं आपको, दो इधर मिलते हैं एंड एक आपके ड्राइवर साइड पे एंड आपको मिलता है इस साइड पे। एंड यहाँ पे गाइस मैं बात करूँ तो ये आपका आता है ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे आपको दे रखा है। और नीचे अब आऊँ तो ये आपका आता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो कि है इसमें आपको मिलता है। ये देखिए यहीं पे मैक्स सारे इसमें सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं, इसमें आपको मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। यहाँ पे गाइस ये देखिए यहाँ पे आपके आते हैं दो कप होल्डर्स आते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं ये आपका है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन बोलते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बटन, ये बेसिकली जो जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसको स्क्रीन पे एक बार ऑन करूँगा मैं, अब फॉर एग्जांपल लाइक इसको आपको आवाज़ करनी है कुछ भी करनी है तो यहाँ से ये यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं। इधर नीचे ये आपके जो ऑप्शन आते हैं यहाँ पे आता है नेविगेशन, रेडियो, मीडिया, टेलीफोन के ऑप्शन आते हैं, तो जो भी ऑपरेट करने हैं यहाँ पे इनके लिए बटन दे रखे हैं। एंड ये जो स्क्रीन है लाइक स्क्रीन की हम बात करें इसको कंट्रोल करने के लिए आप इससे ऑपरेट कर सकते हैं यहाँ से, रोटरी बटन जो दे रखा है। एंड यहाँ पे आता है मेन्यू का ऑप्शन एंड यहाँ पे आता है बैक का ऑप्शन। फॉर एग्जांपल लाइक जैसे हमको बैक करना है तो यहाँ से ये बैक हो जाता है। ये देखिए ये बैक किया मैंने तो अभी आपका आ गया मेन स्क्रीन पे। अब गाइस ये जो दे रखा है ये बेसिकली क्या है, जो इसमें कन्वर्टेबल है, कन्वर्टेबल को हुड के ओपन करने के लिए यहाँ पे बटन दे रखा है। वेट कीजिए वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एंड यहाँ पे आता है ऑटोमेटिक पार्किंग का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। आप गाइस एक बार आपको ये ओपन करके दिखाऊं, ये देखिए तो यहाँ पे आपका आता है बेसिकली स्टोरेज स्पेस आता है जिसमें आप मतलब अपना फ़ोन वो रख सकते हैं। यहाँ पे आपका आता है यूएसबी पोर्ट इधर आपको मिलते हैं। तो ये मैंने आपको फिलहाल प्रोफाइल दिखा दिया है, अब एक बार आपको ये दिखाऊं ओपन करके तो यहाँ पे आपका आता है स्टोरेज स्पेस आता है, कुछ भी आपने गाड़ के डॉक्यूमेंट्स कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं। एंड ये देखिए जो डोर भी है यहाँ पे आपको मिलती है, जो डोर पे आप देख रहे हैं इधर आपको मिलती है पूरी लेदर की फिनिशिंग मिलती है ये देखिए। सो गाइस फिलहाल फ्रंट प्रोफाइल तो ये हो गई, अब एक बार इसका मैं आपको हुड ओपन करके दिखाना चाहूंगा लेकिन एक बार मैं आपको बैक सीट भी दिखाई देता हूँ। सो गाइस बता दूं एट द टाइम मैंने आपको फिलहाल कार के सारे फीचर जो थे इसमें बता दिए जितने तुम्हारे मोहित भाई को बता था। अब दिखा दिए फ्रंट में जो है आप देख रहे हो स्पेस काफ़ी अच्छा है लेकिन बैक में भी है, अगर आपको बैक सीट में भी आपको टू सीट मिल जाती है पीछे मतलब आराम से अगर आपके घर में बच्चे तो ईजिली वो आराम से बैठ सकते हैं। नहीं तो ज़्यादा आपको बताऊँ जैसे मेरे फिलहाल आगे स्पेस है तो मैं सीट को चाहूँ तो सीट बता दूँ आपको सीट और बताऊँ जो सीट इसमें आपको मिलती है ना चाहे वो ड्राइवर सीट की हो या आपके साथ में जो राइडर है उनकी हो वो आपको एकदम नॉर्मल मैनुअल मिलती है, मैनुअल आपको इसमें मिलती है ऑटोमेटिक सीट नहीं मिलती। बाकी मैंने आपको पीछे गैस स्पेस दिखा दिया, अब जो कि ये मेन गाड़ी फेमस है वो है आपकी मेन कन्वर्टेबल के लिए। तो चलिए एक बार आपको इसके कन्वर्टेबल ओपन करके दिखाते हैं। अब आता है टाइम इसके कन्वर्टेबल को एक बार क्लोज करके दिखाने का, ये देखिए। ये देखिए अगर मैं आपको इसका हुड ओपन और करके दिखाऊं सो गाइस अब मैं आऊं इसकी मेन डिटेल्स पे। सो ये आपका ऑडी A6 2016 मॉडल है, 30,000 किलोमीटर ड्रिवन है, जेन्युइन विद सर्विस रिकॉर्ड, सेकंड ओनर कार है, पेट्रोल वेरिएंट है। कॉस्टिंग की गाइस इसकी बात करूं ये आपको कॉस्ट करेगी 35 लाख रुपीज विच इज अ नेगोशिएबल प्राइस। बता दूं अगर आप न्यू कार लेने जाते हैं एट अ टाइम दिल्ली का मैं प्राइस बता रहा हूँ आपको 50 या 50 लाख के अबव ही ये गाड़ी पड़ेगी। बाकी आप इस गाड़ी के आके कंडीशन देख सकते हैं, अगर आपको गाड़ी अच्छी लगे तो इस ऑप्शन के लिए आप जा सकते हैं। और कोई भी क्वेरी होगी नीचे डिस्क्रिप्शन में भैया का नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जाके मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको ऐसी एक से बढ़ के एक बढ़िया गाड़ियों के अपडेट्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपके लग्जूरियस कार हो, सुपर कार्स हो या आपकी सुपर बाइक्स हो, हर टाइप के अपडेट वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ मुझे जाके फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे जो कि मेरा पेज है माइक सेटिंग व्लॉग के नाम से। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में एक बहुत बहुत बेहतरीन SUV लेके, मतलब मैं उसकी क्या तारीफ करूँ, बेसिकली मर्सिडीज ब्रांड की वो AMG है SUV जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। वेट कीजिए, बाकी आपने जाके कमेंट करना है इस कमेंट सेक्शन में कि नेक्स्ट व्लॉग में कौन सी AMG SUV मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।